नमस्कार, मैं हूं शारदा जायसवाल। आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं खबर महाराष्ट्र पर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आर्थिक राजधानी मुंबई में चल रहे साफ सफाई अभियान की। दरअसल आर्थिक राजधानी मुंबई में जल्द ही मॉनसून दस्तक देने जा रहा है। उससे पहले बीएमसी शहर के नालों की सफाई कर रही है ताकि बारिश के दौरान शहर में पानी ना भरे। इस बार मुंबई के सभी 24 वार्ड में बीएमसी युद्ध स्तर पर नाला सफाई अभियान चला रही है। खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काम का जायजा ले रहे हैं। दरअसल हर साल जब भी मॉनसून की बारिश होती है तो मुंबई शहर जलमग्न हो जाता है। बीएमसी हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर यहां के नालों की सफाई करती है, लेकिन फिर भी इसका कोई असर देखने को नहीं मिलता है। शायद इस बार सरकार और प्रशासन दोनों ही मुंबई में होने वाले जल जमाव को लेकर गंभीर हैं, जिसके चलते अभी युद्ध स्तर पर नाला सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। दर्जनों से अधिक जेसीबी लगाए गए हैं, सैकड़ों मजदूर काम कर रहे हैं और लगातार नालों की सफाई की जा रही है, और इसका खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जायजा ले रहे हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस साल बारिश के दौरान कहीं भी जल जमाव ना हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। नालों की सफाई के लिए सड़कों का निर्माण हो रहा है। रेलवे ट्रैक पर पानी ना भरे, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। लैंडस्लाइड से बचने के भी सेफ्टी उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस साल मुंबई में बारिश की वजह से किसी की मृत्यु नहीं होगी और जीरो कैजुअल्टी प्लान के तहत काम किया जाएगा। इतर ही ठिकाणी काम करता है उतरून आणि जे नाले आपण पाहिले त्या ठिकाणी देखील थोडी मशिनरी जी आहे मोठ्या प्रमाणावर या ठिकाणी लागलेली आपण पाहिलेली आहे। यामध्ये जवळपास गाळ काढण्यासाठी 54,225 वाहनांचा वापर केला मोठं प्रमाण आणि जे पाणी साचतं हिंद हिंदमातामध्ये मिलन सर्वे आंबेड सर्वेमध्ये 482 पंप लावलेले आहेत, सर्व ॲक्टिवेट आहेत आणि कुठेही पाणी भरू नये आणि रहदारीला त्रास होऊ नये, लोकांना त्रास होऊ नये म्हणून या ठिकाणी सर्व तयारी केली आहे। त्याचबरोबर जेव्हा भरती असते तेव्हा समुद्र पाणी घेत नाही आणि मग त्यावेळेस देखील आपण मोठ्या प्रमाणावर पाणी रस्त्यावर थांबतो, रस्त्यांमध्ये जातं, यासाठी भूमिगत टाक्यांची व्यवस्था केलेली आहे।